यू ने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे सुमिरन बेकरी ले चलो, और वो अपने टैबलेट में कुछ देख रहा था। फिर जैसे ही वो सुमिरन बेकरी तक पहुंचा, वो बंद पड़ी थी। वहाँ पे कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान था। पहले इस स्ट्रीट की सबसे हरी भरी जगह थी ये। वो लोग अभी केस हार गए हैं, लेकिन सुमिरन बेकरी हमेशा से ही हाई क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने के लिए जानी मानी थी। यू को डर लगने लगा कि ऐसी शेमफुल रेपुटेशन के साथ सुमिरन बेकरी खत्म होने वाली है। तभी यू को शाओजू ने बुलाया। यू उसे पूछता है कि चल क्या रहा है। शाओजू का फेस एकदम रोने जैसा था। वो कहती है, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं अपने होम टाउन लौट जाओ, मैं यहाँ बस अपनी चीजें वापस लेने आई हूँ, अब कभी भी मैं यहाँ नहीं आऊंगी। यू कहता है, मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुमिरन एक्सपायर हुए इंग्रेडिएंट्स क्यों यूज करती है। शाओजू कहती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो सीनियर ने कहा था। उसने कहा था कि इंग्रेडिएंट्स अगर 2-3 दिन पुराने हो तो चलेगा। उसने ये भी कहा कि सब लोग भी यही करते हैं। यू कहता है, तुम ये भूल गई कि हमारे मास्टर ने हमें क्या सिखाया था। और वो मन में बोलता है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स एक्सपायर हो गए थे, न्यूज में ऐसा कह रहे हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स में तो कीड़े भी थे। और वो गुस्से से कहता है, इंग्रेडिएंट्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे मास्टर के मरे सिर्फ 2 साल हुए हैं और तुम ये भूल भी गई कि उसने क्या कहा था। और वो मन में बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने सॉन्ग मो के लिए यहाँ से एक केक खरीदा था, मुझे उस दिन ही चैंग पिंग को मार डालना चाहिए था। शाओजू अपने घुटनों पे गिर पड़ी और एक बच्चे की तरह रोने लगी। जो स्ट्रेस उसके अंदर बिल्ड हो रहा था, वो इसी वक्त टूट पड़ा। लेकिन यू उसे कंफर्ट नहीं कर पाया, वो बस चुपचाप उसे रोते देखता रहा। सांझ होते ही यू वेजिंग माउंटेन के विला में वापस आ गया। जियो आंटी ने बताया कि मिस्टर सॉन्ग और यंग मास्टर बैकयार्ड में है और जल्दी ही डिनर रेडी हो जाएगा। यू बैकयार्ड में जाने लगा और सोचने लगा कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो फाइनली फ्री हो गया। लेकिन वो सरप्राइज रह गया क्योंकि सॉन्ग वाला मोमो को अपने गोद में बिठा के झूला झूला रहा था। सॉन्ग वाला मोमो को कह रहा था कि अब 5 मिनट हो गए है, क्या अब हम जाए। मोमो उसे 5 मिनट और रुकने के लिए कहता है। सॉन्ग वाला कहता है, 2 मिनट, ऐसा दोबारा हुआ है ना। 7 साल पहले भी यू ने कहा था कि मुझे 5 मिनट बात करनी है और सॉन्ग वाला ने कहा था कि मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ। यू सोचता है, वो एक बच्चे के साथ खुशनुमा टाइम बिताने में भी कटौती कैसे कर सकता है। और वो आगे जाके कहता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। मोमो उसे गले लगाने जाता है। यू उसे उठा लेता है। आधे घंटे के बाद ही डिनर रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम खेलना बंद कर देंगे और खाना खाने जाएंगे, ठीक है। मोमो स्माइल करके कहता है, ओके। फिर वो तीनों झूला झूल रहे थे और मोमो बहुत खुश था। वो कह रहा था कि और तेज। यू ने उसे हाँ तो कहा, लेकिन वो और तेज नहीं करने वाला था। लेकिन सॉन्ग वाला और तेजी से झूला चलाने लगा। यू सोचता है, वो तो अभी ही अंदर नहीं जाना चाहता था। सॉन्ग वाला कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे भी झूले पे बैठना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस तरह का झूला नहीं, वो एक सिंगल झूला था जिससे वो बहुत ऊपर तक स्विंग हो सके, वैसा झूला था। लुओ चिंग पीछे से धक्का देता था और वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़ा रहता था जिससे मैं गिर ना जाऊं। यू समझ गया कि उसने जो वो कहा वो सॉन्ग शाओ के बारे में बता रहा है। सॉन्ग शाओ सॉन्ग वाला का मम्मी, उसका बीटा फादर। यू सोचता है, उसका बचपन तो काफी अच्छा होगा, मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी उसने सॉन्ग शाओ को ढूंढने की कोशिश की है उसे छोड़कर जाने के लिए, क्या वो अभी उसे दोष देता है। लेकिन मैं उसे ये पूछकर उकसाना नहीं जाता। और वो कहता है, जब मैं छोटा था तब मैं कभी भी झूले पे नहीं बैठा हूँ। निंगशी हमेशा ही टाइप ए ब्लड वाले लोगों के साथ सोशलाइज होने में बिजी रहती थी, उसके पास जरा सा भी फ्री टाइम नहीं था जो वो निंग्यू के साथ स्पेंड कर पाए। यू सॉन्ग वाला को बताता है, मेरी मॉम कभी भी मुझे झूला खेलने बाहर नहीं ले गई। सॉन्ग वाला कहता है, तब तो तुम्हारी लाइफ और ज्यादा मिसरेबल थी। और वो बहुत तेजी से झूला झुलाने लगा। और झूले पे किसको मजा नहीं आता, बस थोड़ा थोड़ा पेट में वो कुछ होने लगता है ना। फिर सॉन्ग वाला को किसी का फोन आया तो वो बात करने चला गया। फिर यू धीरे धीरे झूला झूला रहा था, लेकिन उससे भी निंगशी का कॉल आ गया। निंगशी अभी कॉल क्यों कर रही है, क्या योयो को कुछ हुआ है। फोन उठाते ही निंगशी कहती है, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे कोई ना हो ताकि हम बात कर सके। यू इधर उधर देख लेता है कि हाँ तुम बात कर सकती हो, यहाँ पे कोई नहीं है। निंगशी कहती है, क्या तुम बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हो। यू चौंक गया कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। यस, हम भी चौंक गए, आखिर क्या मतलब है तुम्हारा। हाँ चलो सोचते हैं कि वो यू के लिए क्या मुसीबत पैदा करने वाली है। ऑप्शन 1, वो कुछ चोरी करने के लिए कहेगी। ऑप्शन 2, वो सॉन्ग वाला के खाने में जहर मिलाने के लिए कहेगी। ऑप्शन 3, वो कहेगी कि तुम्हें मोमो के बदले ही योयो मिलेगा, तो मोमो को दे जाओ और योयो को ले जाओ।